सरायकेला कांडरा मार्ग पर गम्हरिया अंचल अंतर्गत गोपीनाथपुर में बन रहे मार्गीय सुविधा केंद्र के चार दीवारी को लेकर रैयतदारों ने निर्माण स्थल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांडरा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर काम पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन के अनुसार गोपीनाथपुर में जिस जमीन पर चार दीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित अधिग्रहण की किसी प्रकार की जानकारी ना तो रैयतदारों को दी गई है और ना ही आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई है। इसके बाद भी उक्त जमीन पर जबरन बल पूर्वक चार दीवारी निर्माण कार्य जारी है, इसे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जो इस जगह पे जो जबरन काम किया जा रहा है, ये लोग उनका कहना है कि ये जमीन अधिग्रहण हुआ है, जबकि हम लोग पता कि ये सही तरीके से ना अधिग्रहण हुआ ना हम लोग उनको इसके बारे में कुछ पता है। अरे लोग जबरन हम लोग उनको जमीन में काम कर रहा है, तो वही चीज़ हम लोग उनको आपत्ति है कि इस जमीन पे हम लोग काम करने नहीं देंगे। पुलिस बल आया हुआ है यहाँ पर काम करने के लिए, पुलिस बल ये लोग उनसे चाहते हैं कि लोग हम लोग उनको डरा धमका के काम कराए कराने। हाँ, स्टेट नियुक्त किया गया है, अनुपालन कर रहे हैं। तो सर फोर्स की मदद से यहाँ काम होगा क्या? अभी तो मैंने वही जैसे कि आदेश। मामला क्या है सर? मामला भाई अधिग्रहण का है, अधिग्रहण हो चुका है यदि पर्यटन विभाग को, पर्यटन विभाग जो है से लीज का इनको दीजिए हमारे सुविधा के लिए, सुविधा के लिए क्या शुभ नाम हो गया सर? मनोज कुमार सिंह।